हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस समझे थे। इसमें हम 11 वाला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे दूसरा बनाना पड़ा। इसका मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उससे ही ये सेंटेंस हमारा बनेगा। सेंटेंस नंबर 11 में ये इस तरीके से होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 में ही डज हिज ड्यूटी वेल चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में से हमें को चेंज करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आप देखेंगे इसमें डज का यूज़ किया गया है, इसमें वर्ब आई है डज। तो आपको इसमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना है कि जिस भी सेंटेंस में डज आता है तो उसके बाद में आपको नॉट डू का यूज़ करना है, नॉट डू। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें डज आया है तो आप इसे ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये नेगेटिव में चेंज हो गया है। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसे चेंज, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच कंबाइन यूजिंग सो देट, सेंटेंस नंबर 13। अब इसमें हमें सो देट का यूज़ करना है, तो हम देखेंगे कि सो का यूज़ हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव है हाई, हाई क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हमेशा सो का यूज़ किया जाता है। अगर इसमें एडजेक्टिव के पहले वेरी या टी डबल ओ टू आता तो हम वेरी और टू की प्लेस पे सो का यूज़ कर देते, लेकिन यहाँ पे वेरी और सो नहीं आया है, इसलिए हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव से पहले हम सो का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम इस तरह से बनाएंगे द फैन इज सो हाई, देन फुल स्टॉप की जगह पर हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट आई कैन नॉट, सेंटेंस को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, कैन नॉट टच। ओके, ये सो दैट का यूज़ हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है 14 नंबर का सेंटेंस, इफ़ यू डू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया गया है अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ इफ़ की प्लेस पे हमें अनलेस का यूज़ करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ़ का मीनिंग होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। तो अनलेस देखें आप यहाँ पे इफ़ की प्लेस पे हमें अनलेस का यूज़ करना है, तो ये इफ़ है, इफ़ की प्लेस पे हमने किया अनलेस का यूज़, तो इसमें ऑलरेडी नॉट का यूज़ हो गया है, इसलिए हम नॉट को यहाँ से रिमूव करेंगे और नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी रिमूव करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे इफ़ की प्लेस पे हमने अनलेस का यूज़ किया है, अनलेस यू डू नॉट को हटा करके वर्क हार्ड, बाकी का पूरा सेंटेंस हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, यू विल हार्डली इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। ओके, ये अनलेस का यूज़ किया गया है, अनलेस मैंने अभी आपको बताया है, अनलेस में ऑलरेडी नॉट इसमें मौजूद है, इसलिए हम यहाँ से डू नॉट को रिमूव कर देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 15।
सेंटेंस नंबर 15 को देखेंगे हम. सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस. इस सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है यूजिंग नाइदर और नॉर का यूज़ करते हुए. नाइदर और नॉर का यूज़ करेंगे हम, तो नाइदर का मीनिंग होता है ना तो. ओके, तो देखिए सेंटेंस का ज्वाइन करते हैं हम. इस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, नाइदर नाइदर सीता सिंग्स. अब यहाँ से हमने क्या किया है, डज नॉट को रिमूव किया है क्योंकि नाइदर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है. नाइदर सीता सिंग्स, तो यहाँ जो सिंग था यहाँ डज हमने हटाया था, इसलिए हमारे हमने यहाँ वर्ब में एस का प्रयोग किया है. सिंग्स नॉर नॉर डांसेस, यहाँ भी हम इसमें भी हमने डज नॉट को हटाया है, इसलिए यहाँ पे डांस में एस का यूज़ किया है. नाइदर सीता सिंग्स नॉर डांसेस, ये ज्वाइन हो गया है सेंटेंस नाइदर नॉर का यूज़ करते हुए. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 16 सेंटेंस, 16 नंबर का सेंटेंस. मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, चेंज द वॉइस. इसका वॉइस हमें चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस है तो इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है. तो पैसिव वॉइस में हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं. सबसे पहले हम इसे जैसे आप इसमें देखेंगे अस, अस को भी हम ये अस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं और दूसरे सेंटेंस में हिंदी को भी ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम हिंदी से ही इसको बनाएंगे. हिंदी पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले लिया है. हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता. इसका अनदर वे है पैसिव वॉइस बनाने का, 16 अस को हम लेंगे तो अस को हम वी कर देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट में. अस वी आर, सॉरी वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता. ओके, तो देखिए आप इस सेंटेंस को दो तरीके से हमने पैसिव वॉइस बनाया है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास 17 नंबर का. शी कांट अफोर्ड इट, शी वॉन्ट्स टू बाय ए कार. कंबाइन दिस, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग ए. इसको हमें कंबाइन करना है काय का यूज़ करते हुए, यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास. नॉन फाइनाइट क्लास का यूज़ करते हुए इसको कंबाइन करना है. तो नॉन फाइनाइट क्लास में क्या होता है, टू के बाद में वर्ब का यूज़ किया जाता है और वो सेंटेंस ऐसे के कैसे कॉपी हो जाता है. देखिए इसको, शी कांट अफोर्ड इट. अब यहाँ से हम सेंटेंस को लेंगे, इसमें ऑलरेडी टू है तो यहाँ से इसको उठाएंगे. टू बाय ए कार, ये नॉन फाइनाइट क्लास है तो इसमें टू बाय ए कार से इस सेंटेंस को कंबाइन करते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. ओके, शी कांट अफोर्ड इट टू बाय ए कार. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18. दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे आप देखिए वॉच ब्रैकेट में है और हमें ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो दिया गया है, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसके लिए हमें करेक्ट टेंस का यूज़ करना है. तो हम ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसको देखेंगे कि यहाँ पे उस टेंस को देखेंगे. यहाँ पे सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, इट्स मीन ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव बीन या हैज बीन, या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी.
ओके। और सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है वो इसमें दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। आप लोग नोट भी करते जाएं साथ में। ये देखिए सेंटेंस नंबर 18 को, सब्जेक्ट इसका दे के साथ में हैव बीन का यूज़ किया जाता है। दे हैव बीन वॉचिंग, इसमें आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है 19 नंबर का, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, चेंज द वॉइस। इसमें हमें वॉइस चेंज करना है, तो सबसे पहले कार्ड को हम सब्जेक्ट की प्लेस पे लेके आएंगे। कार्ड्स वर, क्योंकि कार्ड्स प्लूरल नंबर है इसलिए वर के साथ में बीइंग प्लेड बाय दे का देम। कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20, वी सॉ ए वेरी गुड मूवी टुगेदर। इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ए वेरी गुड मूवी, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे उठा के ले आते हैं। ए वेरी गुड मूवी वास, ये देखिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे वास वर्ब का यूज़ किया जाएगा। वास वर्ब की थर्ड फॉर्म साकी सीन टुगेदर बाय अस, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। ए वेरी गुड मूवी, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आए। देन यहाँ पे सा वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए यहाँ पे वाज वर्ब का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे वाज आएगा। और सा की थर्ड फॉर्म सीन टुगेदर बाय अस, वी का अस हो जाएगा यहाँ पे, ये पैसिव वॉइस बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है 21, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। इसमें हमें सो दैट का यूज़ करना है टू की प्लेस पे, तो यहाँ पे जो टू है TOO उसकी प्लेस पे हम सो का यूज़ कर देंगे। दिस सॉरी फॉर दैट, देखिए दिस हॉर्स इज सो, ये टू की प्लेस पे क्या हो गया सो फास्ट। अब यहाँ पे जो TOO है उसकी प्लेस पे हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी लाना होगा, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे हॉर्स, तो ये हॉर्स का हो जाएगा इट कैन नॉट विन द रेस। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 22, आई हैड ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे, आई हैड ए क्वारल, तो आई had a quarrel with my friends last night. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 23, ये 23 से जो अगले सेंटेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अब हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको 23 नंबर के सेंटेंस से डू वर्ड्स डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। थैंक यू।